नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए तत्काल एहतियातन पूरे जिले में छिड़काव कराने एवं सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में मास्क एवं वायरस निरोधक दवा व अन्य सामग्री उपलब्ध कराने की मांग जिला अधिकारी से की है। उन्होंने जिलाधिकारी से तत्काल इस वायरस से बचाव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए जिला व प्रखंड स्तर पर विशेष सेल गठित कर सघन प्रचार प्रसार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मीडिया में लगातार खबरें चलाए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग संक्रमण के खतरे से काफ़ी डर गए हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से इस वायरस से बचाव के उपायों के बारे में अधिक से अधिक प्रचारित व प्रसारित करने का भी मांग किया है। सोमवार को पूर्व मंत्री ने कांटी व मरवन क्षेत्र के दौरे करने के बाद बताया कि हर जगह लोग इस वायरस की चर्चा कर रहे हैं और डरे सहमे हैं। उन्होंने लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना से डरने के बजाय उससे बचने के लिए सावधानियां बरतें। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों पर इसके रोकथाम के लिए अभी तक एहतियातन व्यवस्था नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं साथियों से राष्ट्रीय विपदा के इस घड़ी में अपने गांव कस्बों पर विशेष नजरें रखने एवं हर स्थिति में लोगों की मदद करने की अपील की है। पार्टी के गांव में खड़े हैं, यहां कोरोना वायरस के डर से लोग सहमे हुए। देश के मीडिया के द्वारा इसके बारे में इतना प्रचार प्रसार किया गया है कि पूरा वातावरण पैनिक हो गया है। हम जिलाधिकारी से मांग करना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मांग करना चाहते हैं कि जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे प्रचार प्रसार बचाव के लिए हो सकता है वैसा तुरंत सेल गठित करके करिए। लोग में भय का वातावरण बन गया है। स्वास्थ्य केंद्र में या हेल्थ सब सेंटर में कोई बचाव का कोई व्यवस्था अभी तक नहीं दिख रहा है। छिड़काव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हम जिलाधिकारी से कहना चाहते हैं कि जो ये डर और भय का माहौल है, इस पर नियंत्रण करने के लिए तुरंत के तुरंत अपने स्तर से कार्रवाई करिए। और खासकर हम सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि जो ये भय का वातावरण व्याप्त होते जा रहा है, इसको रोकने के लिए अपना सामाजिक दायित्व जो आपको है उसके तहत आप कुछ करिए और वातावरण सामान्य हो, इसके लिए प्रयास हो। नहीं तो जैसा स्थिति दिनों दिन बनते जा रहा है, अब गांव में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करना मुनासिब नहीं समझ रहा है। और जहां तक जग प्रयोजन सुख सराध शादी ब्याह है, उसमें आना जाना भी लोग बंद कर दिया है। इस वायरस का प्रभाव बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, लेकिन एक दहशत मीडिया के द्वारा प्रचार होने से पैदा हो गया है। इस पर सबको संयम बरतने की जरूरत है।